हेलो एवरीवान इट्स सिमरन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो गाइज आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिव्यू अबाउट दिस क्रीम क्योंकि रिसेंटली आई गॉट दिस क्रीम फ्रॉम गिव अवे सो गिव अवे से मुझे यह क्रीम मिली तो मुझे ये ट्राई तो करनी थी सो दैट्स वाई आई ट्राई दिस क्रीम फॉर वन वीक एंड नाउ आम गोइंग टू शेयर द रिव्यू ऑफ दिस क्रीम सो येस गाइज इफ यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस क्रीम दैन डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड okay so guys first of all i will talk about the packaging of this cream so guys this is the packaging of this cream packaging is so much good and cute and it comes in the 100 ml of tub size and the price of this cream is uh, 199 so this is the price of this cream is 200 which is quite good so price and packaging wise this cream is absolutely good it is magic for dry skin type of people because it is a very hydrating and moisturizing cream ट्रस्ट मी एम यूजिंग दिस क्रीम फ्राम लास्ट वन वीक एंड माई स्किन फील सो मच हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज्ड यू हैव ऑयली स्किन देन आप इसे यूज कर सकते हो बट ओनली इन विंटर्स क्योंकि समर के टाइम ऑलरेडी हमारी जो स्किन होती है वो ऑलरेडी स्वेट करती है तो वो ऑलरेडी सीबम या फिर ऑयल सिगरेशन क्रिएट करता है सो दैट्स वाई आप समर के टाइम या फिर मानसून के टाइम ये क्रीम यूज नहीं कर सकते इफ यू हैव ऑयली स्किन बट इफ़ यू हैव ऑय ड्राई और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन देन आप ये क्रीम ऑल सीजन यूज कर सकते हो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग टाइप ऑफ क्रीम है एंड अभी तो विंटर्स चल रहे तो ये मेरी स्किन पर भी बहुत अच्छे से सूट कर रहा है लाइक इट इज़ इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स और पिंपल्स एक्सेट्रा सो आई जस्ट लव दिस क्रीम अलॉट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग क्रीम है ये एंड गाइज इफ यू वॉन्ट टू डू सम मेकअप एंड इफ़ यू वॉन्ट सम प्राइमर जब प्राइमर भी आप ये क्रीम को यूज़ कर सकते हो फॉर अ वेरी ड्यू बेस सो so गाइज अभी मैं आपको इसका टेक्स्चर दिखाती हूँ तो एज यू कैन सी इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा थिक काइंड ऑफ टेक्स्चर है एंड थोड़ा सा ऑयली भी टेक्स्चर है इस क्रीम का इट इज़ ईजी टू ब्लेंड बहुत ईजीली एब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड एट द सेम टाइम ये आपके फेस को एक ग्लोई सा फिनिश भी देता है विच इज़ सो मच मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग एज यू कैन सी माई स्किन लुक्स अ बिट ऑफ glowy and as well it looks so much of hydrated so this kind of texture it has and which is so much lightweight also and very 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 dewy and glowy finish this cream has as you can see my skin looks so much of you know glowy and glossy you can use it as a primer also so i just love the texture of this cream सो okay, so इसका जो फ्लेवर है वो है पोमोग्रेनेट फ्लेवर एंड ये और भी बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है बट आई डोंट हैव दैट ऑल फ्लेवर्स आई जस्ट हैव दिस फ्लेवर विच इज द पोमोग्रेनेट फ्लेवर जो कि एक बहुत अच्छा सा और फ्रेश काइंड ऑफ फ्लेवर है तो इसमें से एकदम माइल्ड सी फ्रेगरेंस आती है इट इज नॉट सो मच यू नो फ्रेगरेंसेबल तो एकदम लाइट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस आता है इसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है एकदम लाइट काइंड ऑफ फ्रेगरेंस आएगा इससे अगर अगरवाइज अभी बात करते हैं अबाउट द इंग्रेडिएंट्स तो अभी इसके जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है जोजोबा ऑयल विटामिन ई तो इसके ये दो की uh, पॉइंट्स है विच इज सो मच हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ये जो दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना ये काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ये जो क्रीम होगी ना ये आपकी स्किन को काफी अच्छे से सूट करेगी एंड इट विल टेक योर स्किन सो मच हाइड्रेटेड सो इफ यू आर एंड जिसकी ड्राई स्किन है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है नाउ वी विल टॉक अबाउट इफ यू हैव ऑयली स्किन तो गाइज इफ यू हैव ऑयली स्किन देन आपको ये क्रीम अच्छी रहेगी इन द विंटर्स. ओनली इन विंटर्स यू कैन यूज दिस क्रीम क्योंकि हेज सो मच ऑफ यू नो ऑयली काइंड ऑफ टेक्स्चर एंड इट विल मेक योर स्किन ऑयली विंटर्स में ड्राइनेस आ जाती है हमारी स्किन पर चाहे हमारी स्किन ऑयली हो या फिर कॉम्बिनेशन हो जो फेस होता है वो ड्राई हो जाता है सो so विंटर के टाइम ये ये क्रीम ऑयल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं हाँ बट इफ यू हैव सो मच ऑफ ऑयली स्किन देन मेक श्योर देट यू आर यूजिंग दिस क्रीम इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ये काफ़ी ज्यादा ऑयली काइंड ऑफ क्रीम है तो इफ यू हैव ऑयली ऑयली काइंड ऑफ स्किन देन यूज इट इन वेरी लेस क्वांटिटी तो गाइज अभी मैं बात करूंगी अबाउट माई एक्सपीरियंस क्योंकि मैं अभी ये वन वीक से यूज़ कर रही हूँ तो आई एम यूजिंग दिस क्रीम फ्रॉम लास्ट वन वीक एंड आई एम सींग माई स्किन इज सो मच हाइड्रेटेड एंड मॉइस्चराइज काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड लगती है मेरी स्किन इट डजेंट गिव मी एनी काइंड ऑफ ब्रेकआउट्स लाइक मैं जब भी कोई भी ऑयली प्रोडक्ट यूज करने लगती हूँ मेरी स्किन पर तो मेरी स्किन पर ना बम्स आ जाते हैं या फिर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं सो वैसा भी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं देखने को मिला विद दिस क्रीम सो आई वुड से कि ये क्रीम सेफ है इफ़ यू हैव ऑयली स्किन देन यूज करो आप बट थोड़े से ही क्वांटिटी में यूज करो एज़ आई सेड बिफोर क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है उसके लिए हमें प्रॉपर हाइड्रेटिंग ऐसी कुछ क्रीम चाहिए होती है सो आई सजेस्ट आई वुड से कि जोजोबा ऑयल एंड वाइटामिन ई इज़ द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर हाइड्रेटिंग पर्पज सो यू कैन ट्राई दिस इफ यू हैव ड्राई स्किन ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ स्किन आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग दैट गाइज अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड आप ये यूज़ कर रहे हो ये ये क्रीम आप आप यूज़ कर रहे हो एंड अगर आपको ये क्रीम सूट नहीं हो रहा तो आप प्लीज़ ये क्रीम को यूज़ करना बंद कर दो क्योंकि इफ़ यू विल यूज़ इट देन ये आपकी स्किन को और भी ज़्यादा खराब कर सकता है सो so, अगर आपको ये सूट कर रहा होगा देन यू कैन कंटिन्यू अगर सूट नहीं कर रहा तो आप ये स्टॉप कर सकते हो तो गाइज दिस इज माई ओपिनियन अबाउट दिस क्रीम सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस क्रीम देन यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस वन एंड इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज दिस क्रीम यू कैन डेफिनेटली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग बाइक